मायावती की देवबंद रैली के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया, जबकि बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि मेरे को वोट दें, बहुजन समाज की पार्टी को वोट दें, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन कल के टीवी मीडिया के अनुसार जो आयोग के आदेश के बाद भी चालू रहा है नमो टीवी है क्या? ना तो इसका सूत्रधारों का पता, ना कहां से, ना कोई परमिशन है इस चैनल के ऊपर, और यह चुनाव के बीच में ही चालू हो गया है नमो चैनल। लोकसभा के लिए 91 सीटों पर पहले चरण में मतदान से दो दिन पहले मंगलवार की शाम को प्रचार बंद हो गया था, लेकिन भाजपा के नमो टीवी पर पार्टी का हर चुनावी सामग्री लगातार प्रसारित हो रही थी। चुनाव आयोग ने देर रात तक इसके प्रतिबंध को लेकर आदेश नहीं लिया था, लेकिन देर रात उसने इस पे जब प्रेशर पूरे देश का, जनता का बनने लगा, तो चुनाव आयोग ने इस पे सोचा और इसको बंद करने का। यहाँ जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है। जानकारियों के अनुसार चुनाव आयोग ने नमो टीवी पर भाजपा के लिए किए जा रहे सभी प्रचार प्रसार को पार्टी के चुनावी खर्च में जोड़ने का आदेश दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसके मीडिया कंटेंट की निगरानी करने को भी कहा गया है। नमो टीवी सभी प्रमुख डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय नमो टीवी को डीटीएच पर प्रसारित होने वाला एक कार्यक्रम मानते हैं हुए इसे चैनल को मानने से इनकार किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इससे कंटेंट पर निगरानी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। नमो टीवी स्वतंत्र चैनल है अथवा प्लेटफॉर्म सर्विस, परंतु उस पर देश की जन प्रतिनिधियों कानून के तहत मतदान में 48 घंटे पहले चुनाव से जुड़ी सामग्रियों का प्रचार प्रसार प्रसारित किया जा रहा है। उसके ऊपर चुनाव आयोग मुंह पर हाथ रख के बैठा हुआ देख रहा है। और जहां आती है बात बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज के हर नेता के ऊपर आचार संहिता लगाने की कोशिश रहती है। उनके हर एक दाव पे, उनके गाड़ियों के खर्चे, उनके बैनर के खर्चे, उनके स्टेटमेंट के खर्चे, उनके सभी चीजों पे नजर रखी जाती है, ताकि बहुजन समाज का जो गठबंधन है वो टूट सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।